गुड मॉर्निंग everyone and एंड वेलकम टू नव भारती फैमिली सो आर टूडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर थ्री ऑफ क्लास जो हमारी second बुक है इट्स सो Happened उसका चैप्टर नंबर थर्ड है द सेल्फिश Giant. ठीक है सेल्फिश मतलब क्या होता है Everybody knows मतलब इंसान मतलब ही और giant मतलब विशाल

एक्सपीरियंस्डेंज ऑफ हार्ट मतलब ये जो स्टोरी है एक जॉन्ट्स एक विशाल जो राक्षस हम कह सकते हैं एक जाइंट के बारे में है, उसका एक सुंदर सा गार्डन होता है बच्चे वहाँ खेलने आते हैं बट उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, फिर कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे तो जितना तो जैंट्स गार्डन वस, उसका गार्डन बहुत सुंदर होता है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है उसके गार्डन में खेलना और जो लेकिन जो जॉन्ट होता है वो सेल्फिश होता है थोड़ा मतलब ही होता है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि कोई भी उसके गार्डन में उसकी बिना परमिशन के आए और खेले तो वो क्या करता है एक वॉल बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर देता है फिर चिल्ड्रन उसके गार्डन में उसके बाद नहीं जाते हैं न स्प्रिंग में न समर में जब तक थोड़ा जॉइंट में चेंज ना आ जाए देखते हैं कि जॉइंट में क्या चेंज आते हैं राइट Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in Giant's Garden. हर दोपहर को जब भी बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी स्कूल से बाद जो बच्चे थे वो Giant के गार्डन में जाते थे और खेलते थे इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास वो बहुत बड़ा uh, सुंदर गार्डन था और लंबी लंबी हरी हरी घास थी हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड वेल्व पीच ट्रीज दैट द दिंग टाइम ब्रोक आउट एंडेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पोल और हर जगह uh, इधर उधर जो घास थी उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स थे सुंदर सुंदर स्टार्स की तरह वहाँ पे ट्वेल्व पीच ट्रीज थे पीच इज अ फ्रूट उसके बारह पेड़ थे और जैसे ही स्प्रिंग टाइम में क्या होता है पतझड़ का जो मौसम होता है ना जैसे स्प्रिंग टाइम आता था वो पीच के ट्रीज तो जो थे वो उसमें फ्लावर्स छोटे छोटे सुंदर पोल्स की तरह उगते थे वो बहुत सुंदर लगते हैं एंड इन द ऑटम वो रिच फ्रूट और ऑटम में फिर वही जो फ्लावर्स है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं

उस फील्ड में बच्चे बोलते हैं कि यहां होके हम कितने खुश हैं वन डे द केम बैक ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश

और ऑगरे मतलब क्या होता है कि इन लेजेंड्स इन फेरी स्टोरीज क्रूअल हु ईट्स पीपल जो राक्षस जो दानव नहीं होता जो लोगों को खाता है ठीक है उसको हम बोलते हैं जो जो फिर जो जो जॉन था ना वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था सात साल के लिए उसका फ्रेंड बहुत मतलब फ्रेंड जो राक्षस था ना उसका फ्रेंड था उससे मिलने गया हुआ था लेकिन वो जब वापस आ जाता है वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं What are you doing here? He cried in very व्हाट आर यू डूइंग चिल्ड्रेन रेन अवे जो जाइंट है जब बच्चों को खेलते हुए देखता है तो वो चिल्ला के बोलता है Gruff आर rough डूंग rough voice एकदम गुस्से में बोलता है चिल्ड्रन को और फिर बच्चे क्या होते हैं सुन के भाग जाते हैं दिस ही इज द giant. all right my own garden is my own garden said the giant anyone can understand that and i will allow nobody to play in it but myself mera ye sirf aur sirf mera garden hai हर कोई ये बात समझ सकता है और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा मेरे अलावा कि वो मेरे गार्डन में खेले नोटिस so बोर्ड फिर वो क्या करता है अपने गार्डन की चारों तरफ वो एक हाई बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है और एक नोटिस बोर्ड लगा देता है नोटिस पे क्या लिखा होता है

चलाना ट्राइड इन अर्ट ऑफ here और लेकिन प्रोसिक्यूटेड मतलब तो मुकदमा चलाना होता है लेकिन जॉइंट कोई मुकदमा तो चलाएगा नहीं तो यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड का मतलब है सी लिखने की जरूरत नहीं है ये रहा पनिश्ड प्रोसिक्यूटेड मतलब पनिश्ड उसने बोर्ड लगा दिया उस पर लिखा था कि जो भी मेरी बिना परमिशन के मेरे गार्डन में घुसेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी री सेल्फिश जॉइंटी जॉइंट था now उसके गार्डन में खेलते थे जगह नहीं थी खेलने की रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्ट एंड फुलट स्टोन्स उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश करी लेकिन जो रोड थी ना वो बहुत धूल से भरी हुई है रोड पे बहुत ज्यादा पत्थर भी थे एंड दे डिड नॉट लाइक एट दे यूज टू वराउंड टॉक अबाउटिफुल गार्डन और उनको ये पसंद नहीं आता था रोड पे खेलना फिर जब भी आ, उनकी स्कूल खत्म होती थी, थी ना तो जिस जायट ने दीवार खड़ी कर दी थी गार्डन की तरफ जो बच्चे थे वो उसके चारों ओर घूमते थे और उस गार्डन के बारे में बात करते थे कि गार्डन कितना सुंदर है हाउ हैप्पी वीवर देयर दे से हम कितने खुश थे वहां पे बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं दैन द स्प्रिंग ऑल ओवर द कंट्री देर वर्ल्ड लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाएं इट वॉज स्टिल विंटर फिर क्या होता है स्प्रिंग पतझड़ का मौसम आ जाता है ठीक है पतजड़ में क्या होता है कि हर जगह छोटे छोटे ब्लॉसम्स पेड़ फूल पत्ते झड़ते हैं चिड़ियाएँ जो बर्ड्स होती हैं वो चर्प करती है बर्ड्स गाना गाती है लेकिन जो सेल्फिश जाएं का गार्डन था ना वहां पे अभी भी सर्दियां थी क्यों क्योंकि उसने बच्चों को भगा दिया था ना कोई बच्चा था बच्चे नहीं होंगे तो चिड़िया वहां क्यों आएगी और मतलब सब कुछ डल हो चुका था वहां पे द बर्ड्स डड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल ठीक है कि जो बर्ड्स थे उनको भी कोई मतलब नहीं था वहाँ गाना गाने से क्योंकि बच्चे तो थे नहीं बर्ड्स को अच्छा लगता था तो जब बच्चे उनका गाना सुनते थे तो ठीक है बर्ड्स ने गाना गाना छोड़ दिया एंड ट्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम और ट्रीज जो थे पेड़ थे वो भी आ, खिलना पेड़ों ने भी खिलना छोड़ दिया वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट इट्स हैड आउट

और सोने के लिए चला जाता है वो फ्लावर तो ओनली पीपल हु हुआ प्लेस द स्नो एंड द फ्रॉस्ट स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन फिर जो स्नो एंड द फ्रॉस्ट कौन होते हैं कि जॉन्ट के जो uh, एक कैरेक्टर्स का ये स्नो एंड फ्रॉस्ट कैरेक्टर का नाम है ठीक है तो uh, वो बोलता है कि जो गार्डन है ये स्प्रिंग भूल चुका है पतझड़ तो हो ही नहीं रहा गार्डन में स्प्रिंग तो हो ही नहीं रहा दे क्राइड सो वी विल लिव ऑल द द ईयर राउंड अ ग्रेट वाइट एंड द पेंटेड ऑल ट्रीज सिल्वर सो फिर वो लोग रोते हुए बोलते हैं कि हम पूरी जिंदगी हमें यही रहना होगा द स्नो कवर्ड स्नो मतलब बर्फ बर्फ क्या होती है कि फिर बर्फ घास को कवर कर लेती है क्योंकि मतलब द स्नो एंड द फ्रॉस्ट इज़ लाइक इज अबाउट द वेदर कंडीशन ठीक है वहाँ पे अभी भी विंटर ही होता है वहाँ पे कोई स्प्रिंग कुछ होता नहीं है कोई चहल पहल होती नहीं है तो ये देख के स्नो और फ्रॉस्ट को बुरा लगता है स्नो क्या सोचती है कि ठीक है मैं घास को कवर कर लेती हूँ वाइट क्लॉक अपनी पूरी बर्फ की चादर वो बिछा देती है घास पे एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर Then, then they invited the north wind to stay with them. फ्रॉस ने trees को paint कर दिया silver paint मतलब उनका color एकदम dull कर दिया विंटर के मौसम में कैसे हो जाते हैं पेंट ठीक है फिर वो लोग नॉर्थ विंड हवा को invite करते हैं कि हवा आए और उनके साथ रहे द स्नो द फ्रॉस्ट द wind विंड ये सारे वेदर्स हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं अबाउट द कंडीशन एंड ही केम और वो हवा है वो आ जाती है

तो यही चीज गार्डन में यही माहौल हो गया था हवा चल रही थी चिमनिया भुज रही थी दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड वी मस्ट आज हैल ऑन टू विजिट ये एक डिलाइटफुल बहुत प्यारी जगह है हमें हेल को भी पूछना चाहिए आने के लिए हेल मतलब हेल बताया था ना ओले बर्फ मतलब बर्फ के ओले हमें हेल को भी पूछना चाहिए यहाँ पे आने के लिए सो हेल केम एवरी डे फॉर थ्री आवर्स ही रेटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट एंड रेन अराउंड एंड राउंड एंड गार्डन एज गो ही वॉज ड्रेस इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस फिर जो हवा होती है बोलती कि है क्या बहुत डिलाइटफुल माहौल है तो हमको ओलों को भी बुलाना चाहिए फिर ओले आते हैं गिरते हैं कुछ चीजें तोड़ते हैं तीन घंटे तक वो बरसते रहते हैं ठीक है <laughs> और देखो ये जो स्कैनरी ये जो सिनारियो है ना यहाँ पे इस, इस सिनारियो में जो स्नो विंड हेल्स, ओले फ्रॉस्ट ये चारों मतलब जो वेदर है ना इन इन शॉर्ट जो वेदर आपस में बात कर रहा है कि ठीक है यहाँ पे तो अभी भी सर्दियाँ हैं स्नो बोल रही है मैं पूरा कवर कर लेती हूँ ओले गिर रहे हैं विंड बहुत तेज आवाज करते हुए इधर से उधर जा रही है तो इट्स लाइक एवरी इट्स लाइक द वेदर इज टॉकिंग राइट आई कैन नॉट वेट अ सेकेंड I cannot understand why the spring is so late in coming," said the selfish giant. अब giant बोलता है कि मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो spring है वो अभी तक आई क्यों नहीं है जॉय बोलता है कि वो समझ नहीं आ रहा है अभी तक स्प्रिंग आए क्यों नहीं है एज ए सेट एट विंडो एंड लुक आउट एट कोल्ड वाइट गार्डन वो उस खिड़की के पास बैठ जब बैठता है और बाहर देखता है अपने सफेद गार्डन को कोल्ड वाइट गार्डन मतलब बर्फ से बिछा हुआ गार्डन आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर वो बोलता है काश वेदर में कोई चेंज हो बट द स्प्रिंग नेवर केम not the summer the autumn gave cold and fruit to every garden lekin spring kabhi aayi nahi uske garden mein summer bhi nahi aaya the autumn uh, gave cold and fruit to every garden but to the giant garden she gave none jo autumn ka mausam jo hota hai jab fruits vagarak aate hain to हर किसी के garden में fruits वगैरह आ गए थे लेकिन giant के garden में ऐसा नहीं हुआ Giant के garden में अभी भी सर्दियां ही क्या हा वेर आई वॉज या ही इज टू सेल्फिश शी सेट ऑटम बोलती है कि ये बहुत सेल्फिश है हेल एंड एंड द स्नो डांस अबाउट ट्रीज तो इसीलिए जॉइंट सेल्फिश है इसीलिए वहां पर हमेशा सर्दियाँ रहेगी फिर जो नॉर्थ विंड जो हेल है जो फ्रॉस है और जो स्नो है सी ये चार कैरेक्टर हैं हाइपोथेटिकल्स सिचुएशन के बारे में हम ये बात कर रहे हैं ऑल दीज प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स और पर्सन नॉर्थ विंड इज दिल्यू वेंट द हेल इज दल स्ट्रॉम ठीक है तो ये सारे जो चारों कैरेक्टर हैं वेदर कैरेक्टर्स जो वेदर है उनको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया है ये आपस में बात कर रहे हैं ठीक है तो ऑटम बोलता है कि जॉइन बहुत सेल्फिश है मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वेंड जो हवा है जो आ, बर्फ है और जो तूफान वगैरह है ये अभी भी उस गार्डन में होते हैं वन मॉर्निंग द जॉइंट वॉज लाइंग अवे कैन बैड वन हीवली सो स्वीट टू ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय एक सुबह जब जाइंट अपने बेड से बेड में सो के उठाता उसने सुना उसने एक प्यारे से म्यूजिक की आवाज़ सुनी उसने सोचा कि इतना प्यारा सा गाना पक्का किंग जो राजा है उसका म्यूजिशियन होगा जो मेरे घर से गुजर रहा है इट वॉज रियली ओनली द लिटिल लेनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो लिटिल लेनेट अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप यूरोप में एक ब्राउनिश बर्ड होती है उसको हम लेनेट बोलते हैं तो वो Uh, जो गाना गा रही थी ना वो कोई राजा का म्यूजिशियन नहीं था वो एक बर्ड थी ब्राउनिश बर्ड थी जो वो गाना गा रही थी इतनी सुंदर वो भी उस जाइंट के गार्डन में दैट सीम्ड टू हेम टू द टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड जायंट को ये सबसे सबसे सुंदर म्यूजिक लगा पूरी दुनिया में देन द हेल्स टॉप डांसिंग ओवर द ओवर हिस्स एंड द नॉर्थ वीज्ड रॉ रेंग and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last. फिर जो हेल जो तूफान होता है वो नाचना बंद कर देता है जाइंट के सर पे, उस गार्डन के सर पे, मतलब तूफान चला जाता है और जो नॉर्थ विंड होती है वो भी रुक जाती है और एक अलग सी महक आती है जाइंट को ना बहुत <coughs> जो स्प्रिंग होता है स्प्रिंग की अलग ही महक होती है वो जाइंट को आती है फिर जाइंट बोलता है कि फाइनली आ, मुझे लग रहा है कि स्प्रिंग आ ही चुकी है एंड ही जम्प आउट ऑफ बैड एंड लुक आउट और वो बैड से कूदता है और बाहर देखता है अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं वा इज द जॉइंट कॉल्ड सेल्फिश जाइंट को सेल्फिश क्यों बोलते थे सब आप लोग मैं ही क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन question, क्वेश्चंस में है क्या इनके आंसर्स आप लोगों को खुद करना है ऑलराइट right? जाइंट को सेल्फिश क्यों बोलते थे आई बिलीव यू गाइस मस्ट नो द आंसर ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर What आर दे रेफरिंग टू एंड बोथ केसेस एक सिचुएशन में जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि हम यहाँ होके कितना खुश हैं दूसरी सिचुएशन में बच्चे बोल रहे थे कि हम जब यहाँ थे हम बहुत खुश थे तो जो चेंज क्या चेंज आया है जो चिल्ड्रन है ये दोनों स्टेटमेंट्स क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा मैंने बताया था पहले वो लोग कार्ट में खेलते थे फिर जॉइंट ने मना कर दिया तो उनको बुरा लगा तो इसी के अंदर आंसर है आपका ऊपर पैसेज में ऊपर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे वेन स्प्रिंग स्टिल इन द गार्डन वॉटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट ए स्प्रिंग आ गई थी गार्डन में अभी भी विंटर थी क्यों था ऐसा ऐसा हुआ क्यों था ठीक है क्योंकि जो बच्चे थे वो लोग चले गए थे है ना विंटर हैज बिन प्रजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज डिस्क्राइब द स्टोरी इन यर ओन वर्ड्स जो कैरेक्टर्स है द स्नो द फ्रॉज दें कि सब अपने अपने कैरेक्टर्स में आ, एक स्टोरी बना रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए इन कैरेक्टर्स को लेके वाज द जायंट अन अपीलड साइड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन जो गार्डन का हाल था ना वो देख के जायंट खुश था या दु, दुखी था व्हाट अफेक्टेड अफेक्टेड द लेनेट सॉन्ग व ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड जब वो चिड़ियाँ थी ब्राउनिश गोल्डन ब्राउन कलर की जो चिड़ियाँ थी जब उसने गाना गाया तो जो हेल्थ थे और जो नॉर्थ विंड थी उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा ठीक है ना सो वी आर डन विथ पार्ट वन यू गाइज हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन राइट हेलो एवरी वन Now, I'm going to start with the second part of the chapter third, The Selfish Giant. We are done with the first part of this chapter. Now, see what's in the second part. Mein kya hai. <clears throat> to celebrate the return of the children, trees covered themselves with, with word, birds and blossoms. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved.

गार्डन छोड़ के चल गए थे क्योंकि जॉन्ट जो था वो काफी सेल्फिश हो गया था उसने क्या करा था सारे बच्चों को भगा दिया था वॉज लाइक ये मेरा गार्डन और मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं खेल सकता बट देन ही रियलाइज कि जब से बच्चे गए हैं ना उसके गार्डन में स्प्रिंग आ ही नहीं रहा सिर्फ सर्दियाँ ही सर्दियाँ द फ्रॉस्ट द स्नो द विंड ये द हेल ये चार कैरेक्टर्स हैं वेदर के फ्रॉस्ट क्या होती है जो बर्फ से क्रिस्टल नहीं हो जाते उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं ठीक है चारों कैरेक्टर्स जमी गए थे इसकी गार्डन में ये हट ही नहीं रहते क्योंकि कोई बच्चा तो था, था नहीं तो स्प्रिंग में नहीं आ रही थी तो ये देख के जायंट को बुरा लगता है फिर अब सेकंड पार्ट में क्या होगा बच्चे आ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइड दो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज जायंट ने बहुत ही प्यारी एक uh, बहुत ही प्यारा नजारा देखा जाइंट ने उसने देखा कि जो बच्चे हैं ना एक जो वॉल उसने खड़ी कर दी थी ना वहां पे छोटा सा हॉल था अब क्रैप्ट मतलब रेंगते हुए छुपके से रेंगना क्रैप्ट मतलब रेंगना होता है तो बच्चे ना छुपके से उस हॉल के अंदर से रेंगते हुए इसके गार्डन में आ गए थे और ब्रांचेस पे और पेड़ों की ब्रांचेस पे वो बैठे थे इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड जो भी पेड़ उसके गार्डन में थे हर एक पेड़ पे एक बच्चा बैठा था एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स और जो ट्रीज थे वो भी बहुत खुश हो गए थे बच्चों को वापस देख के और वो फिर से जो पेड़ थे वो खिलने लगे थे एंड Were waving their arms gently above the children's head. और जो पेड़ थे वो मतलब अपने जो उनके पेड़ की जो टहनिया थी ना वो बच्चों के ऊपर ऐसे प्यार से अपन नहीं करता है ना प्यार से पैम्पर करता है ना तो पेड़ बच्चों के साथ वो कर रहे थे क्योंकि जो पेड़ थे वो, वो काफी खुश हो गए थे बच्चों को देख के <coughs> द बर्ड्स वो फ्लाइंग अबाउट एंड टिंग विद डिलइट और जो बर्ड्स थी वो उड़ रही थी और खुशी से वो ट्विटर बोल रही थी चर्प कर रही थी गाना गा रही थी एंड द फ्लास वर लुकिंग अप थ्रो द ग्रीन ग्रास इन लाफिंग और जो फूल थे वो घास से खिल घास से ऊपर देख रहे थे बच्चों को और हंस रहे थे और खिल गए थे ठीक है इट वॉज अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज टेलिवेंटो मतलब पूरे गार्डन में जहां जहां बच्चे जिस जिस पेड़ पे चढ़ रहे थे वहां पे स्प्रिंग आ गया था I'm sorry, मेरा पेन गिर गया। हम्म okay. hmm. okay, so, बच्चे खेल रहे थे गार्डन में वहां तो स्प्रिंग आ गया था विंटर चली गई थी सर्दियां चली गई थी बच्चे जैसे ही पेड़ पे बैठ रहे थे पेड़ खिल उठे थे और जो बर्ड्स थी वो गाना गाने लग गई थी बट एक कोने में

जो बच्चा था ना वो इतना छोटा था उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था वो पेड़ के ब्रांचेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था तो वो वो कोने में खड़े खड़े वो ना बिलख के रो रहा था बिटरली मतलब बिलख के रोना बिलख के रोना होता है एकदम हर्ट हो गया था वो बहुत ज्यादा ठीक है और वो रो रहा था बहुत दुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड फ्रॉस्ट एंड स्नो द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट क्योंकि बच्चा पेड़ पे चढ़ नहीं पाया तो उस जो पूर, जो ट्री था अब वो बेचारा भी जो ट्री था उसके ऊपर सर्दियां अभी भी मंडरा रही थी उसके ऊपर फ्रॉस्ट जमी हुई थी जो बर्फ के क्रिस्टल से वो जमे हुए थे बर्फ जमी हुई थी नॉर्थ विंड ठंडी ठंडी हवा उस पेड़ के आसपास हो रही थी तो ये देख के भी पेड़ को बुरा लग रहा था क्यों क्योंकि उसको भी खिलना था बट सर्दी की वजह से वो खिल नहीं पा रहा वो खिलेगा कब जब कोई बच्चा उसके ऊपर बैठेगा उसके साथ खेलेगा अम क्लाइंब अप little boy एट द ट्री पेड़ उसको बोलता है बच्चे को कि ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे एंड इट बैंड इट्स down डाउन एज लो एज इट but द बॉय वॉज टू tiny. और जो पेड़ था ना उसने उस बच्चे की हेल्प करने के लिए अपनी टहनियाँ बहुत नीचे झुका दी थी ताकि वो बच्चा चढ़ सके लेकिन उस बच्चे की हाइट बहुत छोटी थी वो बच्चा बहुत छोटा था वो नहीं चढ़ पाया ही कुड नॉट क्लाइंब एंड द जाइंट हार मेल्ट एज ही लुकड आउट और ये सब देख के जो जाइंट है जो उसका हार्ट जो है वो पिघल जाता है जाइंट का दिल पिघल जाता है ये सीन देख के हाउ सेल्फिश आई हैव बीन जॉंट अपने आप से बोलते हैं कि मैं कितना मतलब ही था मैं कितना मतलब भी हो चुका था एंड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर आई पुट दैट पोअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माय गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर फिर क्या होता है जाइंट को रियलाइज हो जाता है ये सब देख के कि वो देखता है कि जब बच्चे आए हैं मेरी गार्डन में तभी जाके स्प्रिंग आया है तभी जाके पेड़ पौधे खिल उठे हैं और बहुत अच्छा वेदर हो चुका है क्योंकि बच्चे नहीं थे तो सर्दियाँ थी एकदम नेगेटिव वाइब्स हो रखी थी बहुत ज्यादा फिर है ना तो ये चीज देख के जो जाइंट है वो अपने आप को बोलता है कि अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि अः मैं बच्चों को खेलने नहीं दे रहा था फिर वो बोलता है कि एलपुट दैट टूअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री मैं उस बच्चे को जो चढ़ नहीं पा रहा पेड़ पे मैं उसको पेड़ के ऊपर चढ़ाऊंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल और मैं फिर जो उसकी दीवार है वहां से वापस चला जाऊंगा एंड माय गार्डन शैल बी चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड एंड एवर और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों का प्लेग्राउंड ही होगा हमेशा हमेशा के लिए ही वाज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन जो उसने करा था उसने बच्चों को डरा के भगाया था जो उसने हरकत करी थी उसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और बहुत ज्यादा सॉरी था ठीक गार्डन so फिर जो जॉंट था वो धीरे धीरे रेंगते हुए गार्डन की ओर चला गया उसने अपना अ मतलब जो डाउन स्टेयर सीढ़ियों की तरफ डाउन मतलब जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही है क्योंकि वो ऊपर से देख रहा था फिर वो रेंगते हुए नीचे और की ओर गार्डन की ओर चला गया उसने गेट खोला फ्रंट डोर बहुत धीरे से खोला एंड वेंट आउट इन द गार्डन और गार्डन में चला गया बट वैन द चिल्ड्रन सो दे देवर सो फ्राइटन दैट दे ऑल रन अवे बट जब बच्चों ने जाइंट को देखा वो बहुत ज्यादा डर गए थे और वो वहां से भाग गए तो फ्राइटन मतलब डर जाना ठीक है ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग बस वो जो छोटा बच्चा था ना जो कोने में रो रहा था कॉर्नर में जो रो रहा था बस वो वहां से नहीं भागा क्योंकि उसकी आंखें बहुत ज्यादा आंसुओं से भर भर चुकी थी तो वो देख नहीं पाया जाइंट को आते हुए And and the giant stole Stole up behind him and took him took gently in his hands. एंडली मतलब और जो जॉन था वो बिना नोटिस में आए उसके बच्चे के पीछे से आता है और उसको जेंटली उठा लेता है आराम से उसको अपने हाथों में उठा लेता है एंड पुट हेम into द ट्री और उसको पेड़ पर बैठा देता है एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स इन द बर्ड्स केम एंड sang ऑन it एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट स्नेक एंड किसड हिम कितना प्यारा सिनेरियो बन चुका है कि क्या होता है बच्चे को वो उठा के जब पेड़ पे रख देता है पेड़ पे रखना चाहता है तो जैसे ही वो पेड़ के पास लेके जाता है, पेड़ ना खिल उठता है फिर से स्प्रिंग विंटर चल जाती है पेड़ के ऊपर से स्प्रिंग आ जाती है पेड़ खिल उठता है खुशी से और बर्ड्स गाना गाने लगती है और फिर जो बच्चा होता है ना वो अपने छोटे से टाइनी टाइनी आर्म्स को स्ट्रेच करके उसको जाइंट को हक करता है प्यार से और उसको किस करता है एंड द अदर चिल्ड्रन वैन दे सॉ दैट द जॉइंट वॉज नॉट एनी लॉन्गर केम रनिंग और जब दूसरे बच्चे ये देखते हैं कि जो जाइंट है वो अब ज्यादा ओके अगेन एंड द चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट वाज़ नॉट एनी लॉन्गर केम रनिंग और जो दूसरे बच्चे थे जब जाइंट जब जो वो छोटा बच्चा जाइंट को किस कर रहा था तो दूसरे बच्चों ने आ, ये चीज देखी और फिर दूसरे बच्चे ने ये सोचा कि अब जो जॉइंट है अब वो एविल विकेट मतलब दुष्ट

ढल चुकी थी जैसे ही शाम हो चुकी थी वो सब बच्चे जाइंट को गुड बाय बोलने आए बट वेर इज लिटिल कंपेनियन ही उन बच्चों को बोलते है कि तुम्हारा वो छोटा दोस्त कहाँ है कंपेनियन मतलब साथी तुम्हारा वो छोटा दोस्त कहाँ है और जिसको मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ाया था क्योंकि जाइंट को ना वो छोटा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद आया था क्योंकि छोटे बच्चे ने उस जाइंट को किस करा था वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन बच्चों ने बोला कि हमें नहीं पता ही हैज गॉन अवे वो दूर जा चुका है यू मस्ट टेल हेम टू बी श्योर एंड कम टू मोरो जाइंट बच्चे को बोलता है कि तुमको उसको बोलना चाहिए कि वो कल भी आए खेलने के लिए मेरे पास सेट द जॉइंट बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट नो वे ही लिव्ड जाइंट ने बच्चों को बोला लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि वो जो टाइनी चिल्ड्रन जो टाइनी चाइल्ड था छोटा बच्चा था वो कहाँ रहता है एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड फेल्ट वेरी सैड बच्चों ने बोला कि हमने उस ना उसका घर कभी देखा और हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है और इससे पहले हमने उसको कभी देखा भी नहीं और ये सुन के जॉय को बहुत बुरा लगा Every afternoon when school was over, over the children came and played with the giant. But the little boy, whom the giant loved, was never seen again. हर दोपहर को स्कूल ओवर होने के बाद सारे बच्चे आते थे और वो जॉइंट के साथ खेलते थे लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको जॉइंट सबसे ज्यादा पसंद करता था वो उस दिन के बाद कभी नहीं आया द giant was वेरी काइंड टू ऑल द children, yet ही लॉन्ग्ड फॉर his little फ्रेंड Giant सारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था बहुत दयालु हो गया था वो और सबके साथ खेल रहा था लेकिन लॉन्ग्ड मतलब इच्छा वांट. ठीक है चाहना लेकिन वो उस अपने छोटे फ्रेंड को छोटे फ्रेंड के साथ भी खेलना चाहता था एंड ऑफन स्पोक ऑफ how हाउ आई वुड लाइक टू him, ही used टू से मैं उसको कैसे देख पाऊंगा ये जाइंट बोलता था ऑल राइट लेट्स मूव ऑन यर्स were वेंट years वेंट बाय एंड द जॉइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल बहुत साल निकल गए थे और जो जाइंट है वो काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया था मतलब होता है कमजोर हो जाना बहुत साल गुजर चुके थे और वो अब इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया था कि वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था तो वो क्या है आर्म चेयर इसको बोलता है आर्म चेयर पर बैठ जाता और बच्चों को खेलते हुए देखता आई है मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है लेकिन ये जो बच्चे हैं सबसे सुंदर फूल है जो जाइंट था ना बहुत काइंड हो गया था पूरा चेंज हो गया था वो वन विंट मॉर्निंग ही लुक आउट ऑफिस विंडो एज ही वॉज स्ट्रेसिंग जब वो कपड़े पहन रहा था सर्दियों की सुबह तो वो अपने विंडो से बाहर देखता है he did not hate the winter now. अब उसको विंटर से नफरत नहीं है वो अब विंटर से नफरत नहीं करता फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेड इप्रिंग इज स्लीप क्योंकि वो जानता था कि अब जो स्प्रिंग है वो सो चुकी है ठीक है एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग और जो फूल है वो आराम कर रहे हैं

उसके ऊपर अभी भी छोटे छोटे फूल खिले हुए थे मतलब उस पेड़ पे अभी भी स्प्रिंग छाया हुआ था इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन उसकी जो टहनियाँ थी वो सिल्वर उस गोल्डन सोने की हो गई थी और सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम दैम और सिल्वर चांदी के फूल उससे फ्रूट्स uh, फल उससे लटक रहे थे एंड अंडरनीथ इट टोल द लिटिल बॉय ही हैड लव और उस पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा जिसको जाइंट ने बहुत प्यार करा था वो खड़ा था ये देख के मतलब ये वही इतना मार्वल बहुत अमेजिंग नजारा था ये जाइंट के लिए ही कुड नॉट बिलीव ही कुड नॉट एबल टू बिलीव दैट ही वॉज एक्चुअली सींग द टाइनी लिटल गाय होम ही है लॉट उस बच्ची को देख मतलब के मतलब एकदम खुश होकर वो गार्डन की ओर जाने लगा ही ग्रास उसने तेजी से घास को क्रॉस uh, करा फटाफट से घास के ऊपर से एंड केम ने चाइल्ड और चाइल्ड के पास जाके खड़ा हो गया

मतलब डेयर uh, मतलब हिम्मत दी क्या होता टी है टी एच ई इसको हम बोलते हैं तुम दूसरी लैंग्वेज में लाइक इट्स एन टी एच ई ई इज एक्चुअली यू तो ये बोलता है जॉइंट हु हेट देयर टू वाउंट दी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसे हुई फॉर ऑन द पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स क्योंकि जो चाइल्ड जो बच्चा था ना उसके पाम पर ना दो नाखून के निशान थे एंड द प्रिंट्स ऑफ टू वर ऑन द लिटिल फीट और उसके छोटे छोटे पैरों पर भी दो नाखून के निशान थे जख्म थे टू <laughs> वाउंड cried द giant। जो जाइंट है वो चिल्ला के बोलता है उस बच्ची को कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें? नुकसान तुम्हें चोट पहुंचाने की टेल मी दैट आई मे टेक माय बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम मुझे बताओ और मैं अपनी बड़ी तलवार लेके उसको मार दूंगा स्ले मतलब किल मुझे बताओ कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मैं अपनी बड़ी तलवार लेके उसको खत्म कर दूंगा उसको मार दूंगा ने आंसर द चाइल्ड बट दीज आर द वौंड्स ऑफ लव ने मतलब होता है नो नहीं लेकिन ये जो घाव है ये जो जख्म है ये प्यार के जख्म है Who are इसका मतलब होता है हु बच्चे इतनी अजीब बातें करते तो जॉइंट उसको बोलते कि तुम कौन हो ठीक है ये अलग थोड़ा अलग वी कैन से दैट इन डिफरेंट लैंग्वेज

एक अजीब सा खौफ उस चाइल्ड के ऊपर गिरा एक अजीब सी चीज हुई और जो जाइंट था उस जाइंट के ऊपर गिरा और जो था ना वो उस बच्चे के सामने नीज पे लेट गया लाइक like, एक होता है ना कुछ उसके ऊपर गिरा और वो उस बच्चे के सामने लेट गया नेल्ट चाइल्ड पहले वो बच्चे के, नेल्ट मतलब नील डाउन हो जाना वो बच्चे के सा, सामने नील डाउन हुआ और फिर वो जमीन पे लेट गया एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टुडे यू शैल कम विद मी टू माय गार्डन व्हिच इज पैराडाइज उस बच्चे ने बोला कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गार्डन में आके मेरे साथ खेलो और उसका गार्डन कहां था पैराडाइज पैराडाइज क्या होता है Heaven, स्वर्ग मतलब देखो कितना strange है। जब उस जॉइंट ने उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ाया था उसको खेलने दिया था गार्डन में तो वो एक्चुअली में वो बच्चा मतलब वो एक स्पिरिचुअल थी वो एक स्पिरिट थी आत्मा थी वो बच्चे की वो ह्यूमन इंसान नहीं था वो फिर गायब हो जाता है खेलने के बाद फिर काफी सालों बाद वही बच्चा आता है उस जाइंट के पास वही टाइम नहीं बच्चा छोटा बच्चा क्योंकि वो बड़ा तो नहीं होता वो उतना ही रहता है और वो उसको जाइंट को बोलता है कि एकदम तुमने मुझे अपने गार्डन में खेल खेलने दिया था अब टाइम है तुम मेरे गार्डन में खेलो और उसका गार्डन कहाँ था हेवन में स्वर्ग में उसका गार्डन था तो वो जो बच्चा है ना वो आके जॉइंट को अपने साथ स्वर्ग में ले जाता है एंड वेन द चिल्ड्रन ने रेन इन दैट आफ्टर नून दे फाउंड द जॉइंट लाइंग डेड एंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स और फिर जो दूसरे बच्चे हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो दोपहर में खेलने आते हैं गार्डन में तो वो देखते हैं कि जो जॉइंट है वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है क्योंकि वो मर चुका है जॉइंट मर चुका है वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और पूरा ब्लॉसम्स छोटे छोटे फ्लावर्स से वाइट फ्लावर्स से वो कवर हो चुका है सो दिस इज देंड ऑफ दिस स्टोरी आप लोगों को आगे समझ में कि बस रिज्वाइन था स्टार्टिंग में सेल्फिश था फिर उसने बच्चों को खेलते हुए देखा क्योंकि बच्चे जब खेलने आते थे भी उनके गार्डन तो भी उसका गार्डन मह कुटता था चह कुटता था फिर एक बच्चा है जो उसको जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था क्योंकि उसने उसको एक बार खेलने दिया था और बच्चे ने उसको किस करा था बट वो एक्चुअली में आत्मा थी वो ह्यूमन बींग नहीं था वो बच्चा काफ़ी साल बाद वो बच्चा आता है फिर वो चाइन को अपने साथ ले जाता है मतलब चाइन की आत्मा को अपने साथ ले जाता है सो दिस इज द द एंड ऑफ स्टोरी गाइज लेट्स मूव ऑन द देश वाइट वेड ही सी जाइंट ने बहुत ही प्यारा दृश्य देखा था और वो दृश्य क्या था उस ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको कि बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में स्प्रिंग आ चुका है वॉट डिड ही रियलाइज ऑन सींग इट उसको क्या रियलाइज होता है ये दृश्य देख के जब उसने वो दृश्य देखा कि बच्चे आ रहे हैं उसका गार्डन फिर से स्प्रिंग गार्डन स्प्रिंग आ चुकी है और बहुत अच्छा गार्डन हो चुका है तो ये देख के उसको क्या रियलाइज होता है यू नी टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज वाई वॉज इट स्टिल विंटर एंड वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन गार्डन के जो दूर वाले कोने में अभी भी सर्दियाँ क्यों थी क्योंकि वो टाइनी जो बच्चा था छोटा बच्चा था वो चढ़ नहीं पा रहा था पेड़ पर पे, इसी लिए मैं तो बस नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट में कि ये इसका आंसर है यू नीड टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज और यू कैन जस्ट राइट इट थ्रू द पैराग्राफ्स जस्ट गो थ्रू ऑल द पैराग्राफ एंड यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जांट जो लिटिल बॉय और जो जाइंट है उनकी जो फर्स्ट मीटिंग है उसको डिस्क्राइब करो डिस्क्राइब दिस सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल काफी लॉन्ग फेस के बाद काफी समय बाद जब जॉइंट और बच्चा वापिस मिले थे तब सेकेंड जो उनकी मीटिंग थी उसको भी डिस्क्राइब करो दैट ऑल कवर्ड विज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट सेल्फिश जॉइंट जो मतलब ही जॉइंट था वो पेड़ के नीचे लेट गया था मर चुका था वो लेट गया था और उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी फ्लॉर्ट्स की चादर बिछ गई थी तो ये जो चीज़ हुई थी ये क्यों हुई थी क्या हुआ था वॉट डज इस सेंटेंस का मतलब क्या है एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल राइट सो गैट वी आर डन विद दिस चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर ऑल यू ऑल्ट इससे पहले भी जो फर्स्ट पार्ट था उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन करने हैं सारे आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने हैं और राइट दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग